हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे विल बी डिस्कस एक्सरसाइज 3.4 क्लास 10th मैथ NCERT। स्टूडेंट, इन दिस वीडियो वी डिस्कस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्विंग बाय एलिमिनेशन मेथड। प्रीवियस वीडियो में भी स्टूडेंट हमने इसी मेथड को डिस्कस किया था और आज सेम इसी एक्सरसाइज में हम कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन इज, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, ए फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1 इफ बिकम्स हाफ। इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, व्हाट इज द फ्रैक्शन? सो स्टूडेंट, इन दिस क्वेश्चन वी फाइंड द फ्रैक्शन। द कंडीशन इज गिवेन इन द क्वेश्चन। फर्स्ट, इफ वी ऐड 1 न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्टेड 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, देन द रिजल्ट इज 1। सो वी स्टार्ट स्टूडेंट, लेट द न्यूमरेटर be x and denominator be y, then fraction is x upon y, clear? X is numerator and y is denominator. But condition, first condition is, if we add 1 to numerator and subtract 1 from the denominator, then the result is 1. So according to question, x plus 1 upon y minus 1 equal to 1, clear? यहाँ तक स्टूडेंट आपको क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है? चलें आगे। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर x plus 1 equal to y minus 1, x minus y equal to minus 1 minus 1, then x minus y equal to minus 2 is first equation, right? And next condition is, if we add 1 to the denominator, then we find result is half, 1 upon 2. So second condition is, x upon y plus 1 equal to 1 upon 2. After this, we multiply, cross multiply, then 2x equal to y plus 1, 2x minus y equal to 1, second equation. So we get two equation, equation first and equation second, and these equations solve by elimination method, then we find the value of x and y and find the result, the required fraction. So start student, equation 2 subtracting from equation 1, subtract equation 2 from 1, clear? X minus y equal to minus 2 is first equation, and second equation is, student, 2x minus y
2x माइनस y इक्वल टू वन, 2x माइनस y इक्वल टू वन। स्टूडेंट जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं यहाँ पर, तो जो हमारा नीचे वाली जो हमारे इक्वेशन है उसी के सभी टर्म्स के हम जो साइन हैं उसको चेंज कर देते हैं। सो माइनस प्लस माइनस, दिस टर्म इज कैंसिल, देन माइनस टू एक्स एंड एक्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस थ्री। माइनस से माइनस को कैंसिल किया, एक्स इक्वल टू थ्री। सो स्टूडेंट हमने एक्स की वैल्यू को फाइंड कर लिया है। आफ्टर दिस इसके बाद क्या करें, इसके बाद एक्स की वैल्यू को आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं एनी इक्वेशन, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड किसी में भी कर सकते हैं। सो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट इज एक्स माइनस वाई इक्वल टू माइनस वन। क्लियर, आई एम राइट? एक्स माइनस वाई इक्वल टू, नो माइनस वन नहीं, माइनस टू, माइनस टू। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, एक्स इक्वल टू थ्री, थ्री माइनस वाई इक्वल टू माइनस टू, माइनस वाई इक्वल टू माइनस टू माइनस थ्री, माइनस वाई इक्वल टू माइनस फाइव। माइनस माइनस कैंसल, देन वाई इक्वल टू फाइव। क्लियर, सो स्टूडेंट वी फाइंड द एक्स एंड वाई वैल्यूज ऑफ दीज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, देन वी फाइंड द फाइनल रिजल्ट। द फ्रैक्शन इज एक्स वैल्यू इज थ्री एंड वाई इज फाइव, देन द फ्रैक्शन इज थ्री अपॉन फाइव। अब आप x और y की वैल्यू को फ्रैक्शन में पुट कर दें, देन द फ्रैक्शन आप इज कितनी मिलेगी आपको, देखिए द फ्रैक्शन इज, क्लियर हो गया स्टूडेंट, समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी है ये मेथड। द फ्रैक्शन इक्वल टू x अपॉन y इक्वल टू थ्री अपॉन फाइव। क्लियर स्टूडेंट, हमने देखिए फ्रैक्शन को फाइंड कर लिया है, x और y की वैल्यू, x न्यूमरेटर था y डिनोमिनेटर, देन फ्रैक्शन इज थ्री अपॉन फाइव। सो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन का ही हम फोर्थ पार्ट डिस्कस करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन इज मीना वेंट टू ए बैंक टू विड्रॉ रुपीज 2000। She asked the cashier to give her rupees 50 and rupees 100 notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of rupees 50 and rupees 100 she received. Meena bank mein ja karke withdraw karti hai, 2000 rupees wahan se nikalti hai. Cashier se only 50 aur 100 rupees ke notes ko dene ke liye bola jata hai. तो यहाँ पर फाइंड स्टूडेंट कि 50 रुपीज़ के टोटल कितने नोट्स मिले उसको, मीना को, और 100 रुपीज़ के कितने मिले, जबकि टोटल नंबर ऑफ नोट्स हैं 25। सो लेट द नंबर ऑफ नोट्स, लेट द नंबर ऑफ rupees 50 notes equal to x, number of notes rupees 100 equal to y,
total number of nodes 25. So first total amount of 50 rupees and 100 rupees notes is 2000 rupees. Then x plus y equal to 2000. This is first equation. And second equation is student x plus y number of nodes hain. So x plus y 25 nodes hain. So 25 x plus y equal to 25, but the total amount of 50 and 100 rupees notes is 2000. So 50x plus 100y equal to 2000. Clear? 50 से अगर आप इसको रिड्यूस करें देन 51 जा 50x प्लस 52 जा 100 2y इक्वल टू 54 जा 100 54 जा 200 देन 40. दिस इज सेकेंड इक्वेशन. स्टूडेंट हमने इस इक्वेशन को यहाँ पर क्या किया, रिड्यूस कर लिया है. देखिए 50 रुपीस के x नोट्स हैं तो वैल्यू हो गई 50x, 100 रुपीस के y नोट्स हैं देन 100y और टोटल इनका अमाउंट हो गया 2000. क्लियर? तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट हमारे पास दोनों लीनियर इक्वेशन आ चुकी हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 25 एंड x प्लस 2y इक्वल टू 40. क्या करें इसके बाद? एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है. इसके लिए हमें किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना होगा और उसके लिए उस जिस भी टर्म्स को या जिस भी वेरिएबल को हम एलिमिनेट करेंगे उसके कोफिशेंट, न्यूमेरिकल कोफिशेंट इक्वल होना चाहिए. तो यहाँ पर देखिए x इक्वल है तो हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है. हम क्या करेंगे, लेकिन दोनों पॉजिटिव हैं और हम अगर कैंसिल करते हैं तो हमें यहाँ पर एक पॉजिटिव मिलना चाहिए और एक निगेटिव होना चाहिए. तो ये कब होगा? जब हम सब्ट्रैक्ट करें. अगर ऐड करेंगे तब नहीं होगा. ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने पर क्या होगा, साइन चेंज होगा और साइन चेंज होने पर कैंसिल हो जाएगा. तो यहाँ देखिए स्टूडेंट सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड. इक्वेशन फर्स्ट को हम सेकेंड से सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो देखिए x प्लस 2y इक्वल टू 40, x प्लस 2y इक्वल टू 40 एंड x प्लस y इक्वल टू 25. क्लियर? यहाँ तक समझ में आ रहा है स्टूडेंट? अब देखिए स्टूडेंट इसके बाद हमने साइन चेंज कर दिए, x वाले टर्म कैंसिल हो चुके हैं, y इक्वल टू 15. तो y की वैल्यू हमें कितनी मिल चुकी है स्टूडेंट, 15. अब इस y की वैल्यू को आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है एनी इक्वेशन, किसी में भी कर दें आप, फर्स्ट में करें या सेकंड में करें. तो देखिए सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट. इक्वेशन फर्स्ट इज x प्लस वाई इक्वल टू 25, वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 15, देन x इक्वल टू 25 माइनस 15, x इक्वल टू 10. सो स्टूडेंट वी फाइंड द वैल्यूज ऑफ बोथ वेरिएबल, x इज 10 एंड y इज 15. x इज रुपीज 50 नोट्स एंड y इज नंबर ऑफ रुपीज 100 रुपीज नोट्स. क्लियर? सो नंबर ऑफ नोट्स रुपीज 50
equal to 10, number of notes rupees 100 equal to 15, clear? And total notes 10 plus 15 equal to 25, clear? So I hope that student, we discussed today exercise 3.4 some important question and आपको ये क्लियर हो चुके होंगे, कोई इसमें डाउट नहीं होगा. सो 3.4 बाय एलिमिनेशन मेथड आप इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे. नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट आपके लिए फॉर्मूला या नेक्स्ट कह सकते हैं हम आपको मेथड डिस्कस करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए. थैंक यू वेरी मच.